ये मैंने 4 चम्मच शक्कर ली, कोई भी डिब्बा हो आपके पास, और ये मैं इसमें डालें कॉफ़ी पाउडर, और ये मैं डालें इसमें बर्फ, कोई भी डिब्बा हो, ज़रूर नहीं है कि मिक्सी में ही बनाना है, ये बच्चा भी बना सकता है। इस तरह से करना है और उसमें फिर जब तक ये शक्कर और ये मेल्ट हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे दूध, हमारा बन जाएगा कोल्ड कॉफ़ी। ये बच्चे आसानी से बना सकते हैं, और हम ये इसमें जार दिख रही है, इसमें चाहें तो ये भी डालेंगे टेस्ट के लिए, और आप चाहें तो इस तरह से भी कॉफ़ी को बना सकते हैं, घुमा के बच्चों को दें। मैंने इस डिब्बे में बनाया है, बस इसका वो नहीं होना चाहिए, ये कॉफ़ी इस तरह से। अब हम इसमें डालेंगे दूध डालेंगे, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी टेस्ट के लिए, अब आप इसको घुमा कर पिए, ऐसे ही पिए जैसे भी पीना चाहे। डब्बा एयर टाइट है इसलिए इसमें फैलेगा नहीं। ये हमारा शेक बन गया। कॉफी को कुछ नए अंदाज में बना सकते हैं, घर में कोई भी जुगाड़ गिलास हो या नया लेके आए, जैसे भी उसको धो के हम इस तरह कॉफी बना के चल पे कॉफी बनाएंगे, खूब जाग वाली बना के। इसमें हम थोड़ा सा इस तरह से, अब मैंने उसमें क्रीम वाली बनाई थी, आज मैं इसमें इस तरह की आइसक्रीम डालूंगी, और आप इसको इसका मजा लीजिए, लाइक करें फॉलो करें। स्ट्रॉबेरी ये मैंने 2 लिए, इसे बच्चे भी आसानी से निकाल सकते हैं, ये मैंने कद्दूकस लिया है, बड़ा हो छोटा हो जो भी आपके पास हो, न मिक्सी का झंझट न किसी चीज का झंझट, हमें इस तरह से इसको क्रश करना है। नीचे उसका गुदा निकलना है, इसी के लिए ये बच्चा भी कर सकता है बड़ा भी कर सकता है, बड़ी आसानी से। ये हमने दूध का गिलास लिया, इसमें मैंने आधा गिलास दूध लिया, जितना आपका बच्चा पीता है उसको दे दो, आधा चम्मच शक्कर डाल के आपका शेक बन गया। आप चाहो तो इसको बोतल में डाल के बना सकते हो, चाहे तो मिक्सी में बनाएं, और इस तरह से आसान बना सकते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक करें फॉलो करें, इसको ही हम अच्छे से जाग वाला करेंगे। तैयार, लाइक करें।